वेलकम टू सेलेस्टियल टॉकीज। आज हम लोग जाने वाले हैं रॉस 248 स्टार सिस्टम पे। ये हमारे मिल्की वे का एक पार्ट है। हम स्टार्ट करेंगे हमारे सन को सेंटर में रख के। अब हम मिल्की वे में ट्रैवल करेंगे 10.29 लाइट ईयर्स का डिस्टेंस सन से हमारे, और फिर हमको मिलेगा रॉस 248 स्टार। अगले 80,000 सालों में रॉस 248 प्रिडिक्ट किया जा रहा है हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार सिस्टम होगा सन के आसपास। चलो हम अर्थ से देखते हैं कि कैसा दिखता है। एंड इट इज अबाउट 10.30 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ इन द कॉन्स्टेलेशन एंड्रोमेडा। हम सन से रॉस 248 स्टार पे ट्रैवल करेंगे। वो एक रेड ड्वार्फ स्टार सिस्टम है। उसका टेम्परेचर 2871.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। उसके आसपास नौ प्लैनेट्स है। जो फर्स्ट प्लैनेट है वो प्लैनेट रॉस 248-1 है। इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर 17.58 टाइम्स अर्थ से ज़्यादा है। इसका एवरेज टेम्परेचर -163.11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। एक डेजर्ट वर्ल्ड है। उसमें एक्टिव वॉल्केनोज हमको मिलते हैं सरफेस पे। हम मल्टीपल वॉल्केनोज एक्सप्लोर करेंगे आज इसके सरफेस पे। चलो वॉल्केनो के पास लैंड करके देखते हैं कैसा दिखता है। अब हम एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स को बंद करके देखते हैं।
अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। इसके आसपास चार मून है। जो मून है उनके डायमीटर रेंज 7 किलोमीटर से लेके 11 किलोमीटर के आसपास है। वाओ, एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स के साथ इस प्लैनेट का स्काई बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। हम सबसे बड़े मून पे जाएंगे जो कि है मून नंबर 4। वो एक कोल्ड एस्ट्रॉइड है। इसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 10.47 किलोमीटर्स है। एवरेज टेम्परेचर इस एस्ट्रॉइड का -171.73 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। अब हम जाएंगे प्लैनेट सेकंड पे जो कि है रॉस 248 सेकंड। वो एक एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रोजन वर्ल्ड है। इसका एटमॉस्फेयर कंपोजिशन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर 0.005 कंपेयर टू अर्थ है। एवरेज टेम्परेचर इसका -217.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं इस प्लैनेट को। टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं।
एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स को बंद करके देखता है। इसके आसपास तीन मून है। मून का डायमीटर वेरी करता है 42 किलोमीटर से लेके 53 किलोमीटर तक। हम जाएंगे सबसे बड़े मून पे जो कि है मून नंबर 3। ये एक एक्सट्रीमली कोल्ड एस्ट्रॉइड है। इसका डायमीटर 52.52 किलोमीटर के आसपास है। इसका एवरेज टेम्परेचर नेगेटिव 203.87 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। अब हम जाएंगे प्लैनेट रॉस 2483 पे। ये एक एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रोजन वर्ल्ड है। इसका एटमॉस्फेयर कंपोजिशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर सिर्फ 0.001 कंपेयर टू अर्थ है। इसका एवरेज टेम्परेचर नेगेटिव 235.07 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं इस प्लैनेट को। एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स को बंद करके देखते हैं। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। इसके आसपास तीन मून है। जो मून है उसके वेरियस डायमीटर रेंज करता है 133 किलोमीटर से लेके 181 किलोमीटर तक। हम जाएंगे सबसे बड़े मून पे जो कि है मून नंबर 3। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एस्ट्रॉइड। इसका डायमीटर 180.62 किलोमीटर के आसपास है। इसका एवरेज टेम्परेचर
-220.57 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्लैनेट, विच इज प्लैनेट रॉस 2484। ये एक एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रोजन वर्ल्ड है। इसके एटमॉस्फेयर में हीलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन गैस मिलते हैं। इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर 0.004 अर्थ के मुकाबले है। इसका एवरेज टेम्परेचर -240.15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं इस प्लैनेट को। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। इसके आसपास 5 मून है। इसके मून के डायमीटर की रेंज है 10 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक। हम सबसे बड़े मून पे जाएंगे जो कि है मून नंबर 5। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एस्ट्रॉइड। इसका डायमीटर 15.60 किलोमीटर के आसपास है। एवरेज टेम्परेचर -229.26 डिग्री सेल्सियस है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्लैनेट पे, वो है प्लैनेट रॉस 2485। वो एक एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रोजन वर्ल्ड है। इसके एटमॉस्फेयर में हीलियम, नाइट्रोजन और नियॉन गैस मिलते हैं। इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर 7.904 × 10⁻⁶ कंपेयर टू अर्थ है। इसका एवरेज टेम्परेचर
-237.51 डिग्री सेल्सियस है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं इस प्लैनेट को। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। इसके आसपास एक मून है। जो मून है वो एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रोजन वर्ल्ड है। उसका डायमीटर 2295.67 किलोमीटर्स है। एवरेज टेम्परेचर -220.26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस है। इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर सिर्फ 0.001 कंपेयर टू अर्थ है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब हम एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स को बंद करके देखते हैं। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्लैनेट पे, जो कि है प्लैनेट रॉस 2486। ये एक एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रोजन प्लैनेट है। इसके एटमॉस्फेयर कंपोजिशन में हीलियम और नियॉन गैस मिलते हैं। इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर 7.16×10⁻¹⁵ कंपेयर टू अर्थ है। इसका एवरेज टेम्परेचर -238.53 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस।
चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं इस प्लैनेट को। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स को बंद करके देखते हैं। इसके आसपास एक मून है। मून जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रोजन वर्ल्ड है। इसका डायमीटर 3,566.82 किलोमीटर्स है। इसका एवरेज टेम्परेचर -220.41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्लैनेट पे, प्लैनेट रॉस 2487। ये एक रिंग प्लैनेट है। ये एक एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रोजन वर्ल्ड है। इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियोन और हीलियम गैस मिलते हैं। इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.211 × 10⁻⁶ कंपेयर टू अर्थ है। इसका एवरेज टेम्परेचर -238.93 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं इस प्लैनेट को। Thank you.
टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। इसके आसपास 10 मून है। इसके आसपास जो मून है उसके डायमीटर की रेंज है 9 किलोमीटर से लेके 739 किलोमीटर तक। हम जाएंगे मून नंबर 2 पे। ये एक एक्सट्रीमली कोल्ड एडलेस वर्ल्ड है। इसका डायमीटर 738.65 किलोमीटर के आसपास है। इसका एवरेज टेम्परेचर -220.65 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्लैनेट पे जो कि है प्लैनेट रॉस 2488। ये एक एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रोजन प्लैनेट है। इसके एटमॉस्फेयर कंपोजिशन में हीलियम और नियॉन गैस मिलते हैं। इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर 4.225 × 10⁻⁵ कंपेयर टू अर्थ है। इसका एवरेज टेम्परेचर -241.73 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं इस प्लैनेट को। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं।
इसके आसपास एक मून है। ये जो मून है वो एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रोजन वर्ल्ड है। इसका डायमीटर 4301.70 किलोमीटर्स के आसपास है। इसका एवरेज टेम्परेचर -220.93 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। अब हम एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स को बंद करके देखते हैं। अब हम जाएंगे लास्ट प्लैनेट पे जो कि है प्लैनेट रॉस 2489। ये एक एक्सट्रीमली कोल्ड फ्रोजन वर्ल्ड है। इसका एटमॉस्फेयर कंपोजिशन नियॉन और हीलियम गैस है। इसका एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.009 टाइम्स अर्थ है। इसका एवरेज टेम्परेचर -241.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं इस प्लैनेट को। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं।
इसके आसपास 5 मून मिलते हैं हमको। जो मून है उसका डायमीटर रेंज करता है 5 किलोमीटर से लेके 323 किलोमीटर तक। हम जाएंगे सबसे बड़े मून पे, मून नंबर 2। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड वर्ल्ड। इसका डायमीटर 307.04 किलोमीटर के आसपास है। इसका एवरेज टेम्परेचर नेगेटिव 224.54 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। चलो इसको हम डिटेल में देखते हैं फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। चलो हम लैंड करके डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अब टाइम को स्टार्ट करके और थोड़ा फास्ट टाइम को करके देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस उसको प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।